देश में देशभक्ति का माहौल बहुत परम सीमा पर है इस समय। जी 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 एकदम, देश अभी एकदम अपना, हाँ देश अभी इस वक्त, देश अभी एकदम फाइनली मूड में है अपने, और देश मुझे लगता है कि पहली बार इतने बड़े लेवल पर 125 करोड़ की आबादी को जगे हुए देखा, और सब सब में उबाल है, सब में देशभक्ति जाग रही है, और आई एम वेरी प्राउड कि मैं, मेरा देश इस वक्त एकदम अद्भुत मूड में है, और इतने अद्भुत मूड में मैंने अपने देश को कभी देखा ना सोचा था। मुझे मैं कुछ लोगों का नहीं जानता, मैं कट्टर अपने देश को प्रेम करता हूं, और मैं कट्टर भारतवासी हूं, और मुझे, मैं ज़रा भी इस चीज़ में विश्वास नहीं करता कि मैं आपको चुम्मा दूं और आप मुझे लात मारें, तो वो भैया वो बात नहीं है। और बहुत टाइम से हम लोग, यू नो, आप, हम आपके बच्चों को पालें और आप हमारे बच्चों को मारें, आके हमारे जवानों को मारें, हमारे सिविलियंस को मारें, सो बहुत अभी दूध का दूध पानी का पानी हो गया। वही एक बात कहूँगा कि दूध मांगो तो खीर देंगे, दूध मांगो तो खीर देंगे, दूध मांगो तो खीर देंगे, और कश्मीर मांगो तो शीर देंगे। सो वेरी क्लियर नाउ। सर एक लास्ट, पर आपको लगता है सेना पे कभी भी किसी तरह से उंगली नहीं उठनी चाहिए, जैसे कई लोगों की ऐसी प्रतिक्रिया आई कि सेना पे उंगली उठ गई हमारी भारतीय सेना पे? हाँ नहीं, गलत है, सेना पे तो उंगली उठनी, आप सेना पे उंगली उठा रहे हैं मतलब आप अपने देश के प्रोटेक्टर को, जो हमको बचा रहे हैं, जो हमारी हमारी शक्ति हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, आप उन पे शक करना मतलब सबसे बड़ा पाप है। वही लोग चला रहे हैं, मतलब उन्हीं की वजह से हम लोग अमन से सो रहे हैं, चैन से सो रहे हैं। बॉर्डर से अगर फोर्स हट जाए तो हम लोग, भैया हम लोग तो सब भाग जाएंगे यहाँ से। अक्रॉस द बॉर्डर आर्टिस्ट रहने चाहिए, कब तक उन्हें, कब तक नहीं? ये सिंटा ने हमारे अच्छा डिसीजन लिया, जब तक अमन नहीं होता, जब तक शांति नहीं होती, वहाँ पे भी फिल्मों को बैन कर दिया गया है, वहाँ के हमारे चैनल्स को बैन कर दिया गया है, जब तक शांति नहीं होती यहाँ पर नहीं। और हमारे यहाँ बहुत अद्भुत अद्भुत कलाकार हैं, जो ऐसे ही पृथ्वी सिनेमा हॉल या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या FTI के बाहर आपको देखेंगे, सब पड़े हुए हैं, और कितने बेरोजगारी से मर गए हैं, भूख के मारे, और उनको काम नहीं, परिवार नहीं चला पा रहे हैं। तो अपने, हमारे इतने सारे कलाकार हैं, उनको हमको काम देना है, और ये बात ये सीख लेनी चाहिए कि अब हम अपने कलाकारों को काम दें, जो जेन्युइन बहुत अच्छे कलाकार हैं। और मैं ऐसे कई दोस्तों को जानता हूँ जिनके पर आज खाने की तकलीफ़ है, खाने की परेशानी, तो हम क्यों बाहर से इतना बोझा ढोएं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे विचार, तेज विचार आपके, थैंक यू सो मच, वंडरफुल इवनिंग। अरे प्रभु, लीला रच दिए तुम, बहुत ऊंची।